एक दिन इनके कमेंटेटर ने इनके कैप्टन से पूछा कि आपको इंग्लिश आती है, तो इनके कैप्टन बोलता है यस यस अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। सुन बे गंडू कुमार, हमें इंग्लिश आए या ना, लेकिन तेरे को ओवर एक्टिंग पूरी आती है। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा क्या लेगा, ठंडा या गर्म? हाँ मंगा दो, गर्म मंगा दो। हुआ क्या गर्म? हेलो गाइस एंड फेसेस, मैं सूरज कुमार और आज मैंने फिल्म देखी नचनिया पदनिया, आई मीन स्ट्रीट डांसर 3D। तो मैंने देखी स्ट्रीट डांसर, और स्ट्रीट डांसर का मैं रिव्यू करूं उससे पहले ना मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखो मैं जब फिल्म देखा ना, एंडिंग का अगर आप 10 मिनट छोड़ दोगे ना, उसके अलावा इस फिल्म में जो भी दिखाया गया ना वो टोटल नौटंकी है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखो, नोटिस करो या ना भी करो ना, तो भी इजीली वो नोटिफाई हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ना इस फिल्म में इतनी आसानी से दिखा दिया है कि हिंदुस्तानी जो टीम रहती है, हिंदुस्तानी के लोग रहते हैं ना, उनके मन में गद्दारी भरा है, उनके दिमाग में इल्लीगल कामें चलते हैं। और इसमें ये तक दिखाया है कि एक हिंदुस्तानी इल्लीगली 4 हिंदुस्तानी को अपने यहाँ लेके आता है और उनको धोखा दे देता है। ये सारे चीज़ें क्लियरली दिखाए। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी को देखोगे ना, पाकिस्तानी टीम को देखोगे ना, वो इतने मासूम है, उनकी नीयत इतने साफ है कि वो लोगों का सोचते हैं और दूसरे मुल्क के लोगों के लिए वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं और उनको खाना खिलाना चाहते हैं। वो इतने साफ है, वो गद्दारी भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। और हाँ, फिल्म के एंडिंग के पहले ही दिखाते कि हिंदुस्तानी को अक्ल आ जाता है, वो फिर अच्छे नीयत के अच्छे लोग हो जाते हैं, ये दिखाए। उल्टा ऐसे ही प्लॉट पर ना बहुत पहले फिल्म भी आई थी बजरंगी भाईजान, दैट मूवी वॉज गोल्ड, प्योर गोल्ड एंड कोका कोला। एंड इस मूवी का प्लॉट क्या है पता है? पाद का गोला, टोटली पाद का गोला बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमको डालना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर तुम हम ही लोगों को ऐसा प्रूव कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, तो ये डालना ही नहीं चाहिए। एनीवेज देखो, आप लोग को रिव्यू से मतलब है तो ये सब भाषण जो मैंने दिया उसके लिए सॉरी, अगर बुरा लग रहा है तो माफी चाहता हूँ। लेकिन देखिए स्ट्रीट डांसर में देखा, स्ट्रीट डांसर फॉर मी इट्स एन एवरेज टू गुड फिल्म, इतना ही बोलूंगा, एवरेज टू गुड फिल्म। ठीक है, कुछ कुछ सीन्स में काफ़ी बवाला है, धमाका है, अंगार है, तूफान है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स बहुत ही भंगार है, जो मैंने आपको पहले बता दी वीडियो के, तो ऐसा है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग का पैशन है, एम है कि डांसर्स बनना है, डांस करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये फिल्म आपके लिए ट्रीट है। पता है किस अंदाज में? अगर आपको डांसर बनना है तो ये फिल्म आपको बताती है कि पहले आप रईस बनो, अमीर बनो, आप नाइकी के शूज़ पहनो, एडिडास के जैकेट पहनो, आईफोन रखो, सैमसंग की चड्डी पहनो, सॉरी मतलब ये सब आप पहनोगे ना तो एक स्वैग आएगा। फिर आप थोड़ी सी गद्दारी करो अपने लोगों में, फिर आप थोड़ा इस फिल्म में ये भी दिखाया कि मतलब आपकी लड़ाई हो रही है तो आप खाना फेंक के मारो, पिज़्ज़ा फेंक के मारो, बर्गर फेंक के मारो, सैंडविच फेंक के मारो, चीज़ फेंक के मारो, ये सब इसमें दिखाया। अगर ऐसा फाइटिंग हमारे यहाँ हुआ ना, हमारे यहाँ कोई दाल वड़ा भी फेंक के मारा ना, तो उसके पिछवाड़े पे 4 वड़ा का शेप निकाल देंगे और फिर बोलते तेरे बाप का है, तेरे बाप का ये वड़ा, तेरे बाप का है, भरवा के लेते थे पूरा कसम से। एंड इसमें ये भी दिखाया गया कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना उतना इंग्लिश में अपने चीज़ों को शो करें कि हम डांसर्स हैं, यो व्हाट्सअप, एक्सक्यूज मी ब्रो, थैंक्स, ऐसा दिखाने की कोशिश की है। इससे आधे लोगों को लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये डांसर्स है, यो गबरू है, ये वो है, ये ऐसा लगना चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ अगर कोई एक्सक्यूज मी भी बोल देना तो उनके मन में एक बात चलती रहती, पता है क्या? हटना बोल थोड़ी के, ये मजाक करो। लेकिन देखो इस फिल्म में ऐसा भारी तरह से दिखाया गया कि तुम ऐसे आईफोन दिखाओ, जैकेट बार बार बदलो, अपने कॉस्ट्यूम्स ऐसे ऐसे दिखाओ कि लगना चाहिए कि यार यू आर डांसर नॉट अ कारपेंटर। एनीवेज यार फिल्म का प्लॉट एकदम क्लियर है, क्योंकि फिल्म का प्लॉट ही नहीं है। एंड अगर इस फिल्म के गाने की बात करो तो गाने टोटली फ्रेश है घंटे से, और इस फिल्म में कोरियोग्राफिंग, डांस और जो भी स्टेप्स वगैरह है ना, जितने भी डांसर्स ने किए ना, सारे मचांड के मजा आ गया देख के। एक ऐसा लग रहा था कि गूज़बम्स फील दे रहा है, बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख के। लेकिन नोरा फतेही का जब वो गर्मी वाला सॉन्ग आता है ना, आय हाय हाय हाय, स्केलेटन भी जला देता है। लेकिन उसके बाद वरुण धवन का 2 लाइन सुनने में आता है, कसम से ऐसा लगता है घर पे सत्यनारायण का पूजा करूँ क्योंकि पाप चढ़ गया। वो लाइन ही ऐसा था कि मेरे को हजम ही नहीं हुआ सुन के। लेकिन वैसी एक्टिंग देखना मतलब मेरे को हवन कराना ही पड़ता था। उसके बाद इस फिल्म में एक्टर्स कोई भी नहीं है, एक्टिंग ढूंढने की कोशिश मत करना। और इस फिल्म में कैमियो है वरुण धवन के एक्टिंग का, ऊपर से श्रद्धा कपूर इतनी क्यूट लगी। एंड जो प्रभु देवा का डांस इस फिल्म में आया ना, दैट वॉज कंप्लीट मचांड, उसको बोलते भाई डांस। ये लोग इतने कूद लिए, इतने वो कर लिए, ये कर लिए, लेकिन जब प्रभु देवा आया ना स्टेज पे, मार्केट ही खा गए एकदम। अकेला बंदा सब पे भारी एकदम,
टोटल पंगा कर डाला, इट वॉज धमाका। वो देख के एकदम सच में बहुत घुसबम पाया, ऐसा लगा उड़ के ताली बजाओ, लेकिन नहीं बजा सकता था क्योंकि चड्डी पहन के गया था, पीछे वाले चिल्लाते थे मेरे को। इनफैक्ट इस फिल्म के डायरेक्टर साहब भूल ही गए कि वो फिल्म 3D में बना रही या DVD में बना रहे, क्योंकि 3D इफेक्ट्स बहुत कम कम जगह, जहाँ जहाँ उनकी छाती उड़ी है, पानी उड़ा है, ये सब उड़ा है, वहीं वहीं 3D इफेक्ट्स दिखते, बाकी कुछ इफेक्ट ही नहीं था पिक्चर में। वो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ नाम के लिए ऐसा लगा दिया कि हाँ चंदन चढ़ा दिया, ऐसा ही हो गया। और अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया होगा ना, तो जरूर नोटिस करना कि जब भी आप चिकन थाली या वेज थाली खाने बैठोगे ना, तो अगर आप 2-3 बार कांदा लगातार मांगोगे ना, तो वेटर ना बटाटे जैसा मुंह बना के आपको कांदा फेंक के देता है। क्या आपने नोटिस किया? अब यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। लेकिन अगर नोटिस करेंगे ना, इस फिल्म में, फिल्म के एंडिंग में अगर हिंदुस्तानी टीम आ रही है, हिंदुस्तानी के लोग आ रहे हैं ना, तो बैकग्राउंड में ना विलन का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। सोचो, समझ ही नहीं रहा हीरो कौन है और फिल्म हीरो बताने किसको चाहती है। एनीवेज, मैं इस फिल्म को दूंगा रेटिंग 2.5 out of 5, लेकिन डांसर्स के लिए ये फिल्म मस्ट वॉचेबल है, आप लोग के लिए तो धमाका है, मजा आ जाएगा। एनीवेज, अगर किसी को भी मेरा वीडियो बेकार लगे तो फिर दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस जो फैक्ट मेरे को लगा वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर डायग्राम फॉलो कीजिए। आता हूँ मैं पंगा का रिव्यू लेके, बाय।